नंबर एक, रिश्ते निभाना तब मुश्किल सा लगने लगे जब कुछ लफ्ज दिल में तीर की तरह चुभने लगे। नंबर दो, आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते। नंबर तीन, किसी नए रिश्ते में बंध कर यदि आप इसे निभा नहीं सकते हो तो फिर मना कर दीजिए। नंबर चार, कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने का, सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। नंबर पांच, जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे किचन पार्टनर्स टीएम चैनल में। आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, पांडवों को कितने वर्ष का अज्ञातवास हुआ था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर छह, यह तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूँ। नंबर सात, ख्वाब ख्वाहिशें और लोग जितने कम हो उतने ही अच्छे, अपने अहम को थोड़ा झुकाकर चला करो। नंबर आठ, जिद गुस्सा गलती लालच और अपमान खराटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुकते हैं परंतु एहसास तक नहीं होता। नंबर नौ, फांसलों का एहसास हुआ और हद से ज्यादा हुआ जब मैंने कहा ठीक है और उसने मान लिया। नंबर दस, जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपकी तरफ ही उठती हैं। नंबर ग्यारह, मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा पर धारा का धरा रह जाना है। नंबर बारह, इतने कामयाब बनो कि आपके जैसे बनना लोगों का सपना हो। नंबर तेरह, कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है, जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनी रहती है। नंबर चौदह, अब देखना है कि दोनों में जान किसकी जाती है, उसने मेरी और मैंने उसकी कसम खाई है। नंबर पंद्रह, रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से आती है। नंबर सोलह, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान जाकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। नंबर सतारह, कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसे हम चाहते हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज हो जाती है, लेकिन समय बीतने के साथ हमें यह एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, इस बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। नंबर 18, अच्छे लोगों को की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। नंबर 19, कर्म और गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। नंबर 20, देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। नंबर 21, सपने तो कभी टूट ही जाते हैं, मगर उसके बाद जो हमें न टूटने दे वही अपने कहलाते हैं। नंबर 22, जिंदगी की कहानी भी नदियों की तरह है, कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी। नंबर 23, बहुत आसान होता है दिल की पहचान करना, जो दुखता ना हो समझ लेना वही पत्थर का है। नंबर 24, अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे हुआ करते थे। नंबर 25, रिश्ते और वादे इतने भी मत बनाना कि वह तुम्हारे कंधों का बोझ बनकर रह जाए। नंबर 26, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नंबर 27, देर से बनो पर जरूर बन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। नंबर 28, दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, यह वक्त सब कुछ सिखा जाता है। नंबर 29, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम कौन सा देखते हैं वही हमारा नजरिया तय करता है। नंबर 30, कुछ लोग अपनी गलती को भूल चूक मानते हैं और दूसरों की गलतियों को चुन चुन कर निकालते हैं। नंबर 31, छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जिसमें कदर ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो समय पर साथ ना दे, और छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ ना दे।
नंबर 32, जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है और जब सब कुछ हो तो व्यवहार की परीक्षा होती है। नंबर 33, जिंदगी और भी आसान हो जाती है अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती है। नंबर 34, अपनी जिंदगी की तकलीफों से अपने आप लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। नंबर 35, हमारे जीवन में घट रही अच्छी या बुरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उन पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है यह हमारे हाथ में होता है, और इसे हमेशा अपने हाथ में ही रखें। नंबर 36, रिश्ते निभाने के लिए समय नहीं चाहत जरूरी है, मन में चाहत हो तो समय की कोई कमी नहीं होती। नंबर 37, आसान बहुत है खुशी से मुस्कुरा देना, जो गम में मुस्कुराए वह किरदार ही अलग है। नंबर 38, तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूँ, अब काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करें, यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा, इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। नंबर 39, गलती पर साथ छोड़ देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिला करते हैं। नंबर 40, जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया वही निकलना तय है। नंबर 41, माना कि हम लोग इतने अच्छे भी नहीं होते, मगर इतने बुरे भी नहीं होते जितने बनाए जाते हैं। नंबर 42, इंसानी फितरत है, जब सलाह हो या सजा दूसरों को ही दी जाती है। नंबर 43, काम ऐसे करना कि सब देखते रह जाएं, बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त जरूर याद आता है। नंबर 44, अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं, शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। नंबर 45, नाखून बढ़ाने पर नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, रिश्तों में दरार आए तो दरार मिटाना रिश्तों को नहीं। नंबर 46, अच्छे लोगों के पास भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। नंबर 47, कमियां तो सब में होती है, लेकिन दिखाई सिर्फ दूसरों में ही देती है, अपना हिस्सा कभी मांग कर देखिए सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा कभी छोड़ कर देखिए सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। नंबर 48, यदि आप शहद की तलाश में निकले हैं तो मधुमक्खियों का काटना सहर्ष स्वीकार है। नंबर 49, रंग लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग सही सबक सिखा जाते हैं। नंबर 50, नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हमेशा हम ये ध्यान से सुनते हैं। नंबर 51, माँ सबकी जगह ले सकती है, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 52, मर्द की मर्दानगी का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसकी वजह से किसी औरत की आंख में आंसू और इज्जत पर आंच न आए। नंबर 53, कभी भी किसी के सामने इतना मत झुकना कि वह इसे तुम्हारी मर्यादा नहीं मजबूरी समझने लगे। नंबर 54, कई बार आपको लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आपको उनकी परवाह नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें आपके होने या ना होने से कोई मतलब नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।